What's up guys, namaskar and welcome back to another vlog. I am Pradeep and you're watching It's Okay Bhai. सो गाइज आज हम जाने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन जगह पर जिसका नाम है उनाकुटी, द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस इन त्रिपुरा. सो मेरे साथ है मेरा भाई, हम दोनों एक साथ जाएंगे और दो भाई आएंगे उनके साथ जाएंगे. तो हम वहाँ सामने एक मार्केट है, मार्केट एरिया में जाएंगे, वहाँ रुकेंगे, उसके बाद हम अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे. तो चलिए गाइज, मेरे पीछे जो रोड है वो धर्मनगढ़ से आता है, ठीक है. तो हम उनाकुटी में जाएंगे इस रूट से, मतलब कि इस रूट से होकर ही उनाकुटी जाते हैं. धर्मनगढ़ से उनाकुटी 20 किलोमीटर है और यहाँ पीछे एक मार्केट छोड़ के आए हैं हम. उस मार्केट का नाम है आनंदो बाजार मार्केट. और जाते जाते आपको दिखाते हैं आस पास में बहुत ही शानदार नज़ारा है. और यहाँ सामने एक मंदिर मिलेगा, उनाकुटी जाने से पहले एक मंदिर मिलेगा, वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा मैं. ओ भाई इतना बड़ा गड्ढा है, देखो यहाँ से बीचों बीच हम ठीक से नहीं जा पा रहे. और कितना बड़ा गड्ढा है देखिए. मैं कुछ साल पहले आया था यहाँ पर, इतना भी ख़राब नहीं था, लेकिन अभी थोड़ा बारिश हुआ है ना तो थोड़ा ख़राब लग रहा है. इसको थोड़ा रिपेयर करना चाहिए. गवर्नमेंट से कोई देख रहे हो प्लीज़ सड़क को ठीक कर देना. मेरा भाई बाइक चला रहा है और मैं बाइक के पीछे बैठा हुआ हूँ. तो बहुत ही मज़ा आ रहा है हम लोगों को, धीरे धीरे जा रहे हैं क्योंकि ये जो रोड है इस रोड का कंडीशन थोड़ा मतलब कर्वी रोड है. पूरा एकदम थोड़ा पहाड़ी इलाका है, ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों के बीचे बीच हम लोग जा रहे हैं. हमारा जो नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है वो यहीं तक ख़त्म होता है, उसके बाद हमारा उनाकुटी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है. यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है उनाकुटी. तो हम चलिए जाते हैं और देखते रहिए. मैंने कहा था कि सामने एक मंदिर मिलेगा, तो मंदिर एक है सामने, भगवान शिव का मंदिर. Playing games, I could always tell you what I want to say. Baby, did you feel? मजा आ रहा है कि नहीं? बहुत मजा आ रहा है. देखिए, welcome to गौरंगनगर forest range, कैला शहर. यहाँ पे एक देखिए बोट पीछे आप देख सकते हैं, वो छोड़ के आगे हैं हम लोग. सामने हमारे दो भाई हैं जो आ चुके हैं और सामने हैं वो लोग. वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है क्योंकि हम ऐसी जगह पर जाने वाले हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है, हिस्टोरिक प्लेस उनाकुटी. और वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए. सो गाइज, उनाकुटी जाने से पहले आप लोगों को ये इको पार्क मिलेगा जो कि अभी शायद बंद है, तो हम इसमें नहीं जाएंगे. हम अभी डायरेक्टली उनाकुटी में जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे. You picked me up above the ground, and that moment then I knew we'd have the sum of our lives together was first love. I was out of hell. Let me tell you, baby, this is not a game. Let me tell you, darling, you were not the same. Let me tell you everything that I need to say. सो गाइज, आप देख सकते हैं ये जो गेट है पीछे हमारा, तो गेट क्रॉस करके हम अंदर आए हैं अभी. तो उन लोगों ने कुछ बताया है कि यहाँ पर कोई पत्थर वत्थर को थोड़ा टच नहीं करना है. तो भाई कैसा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत खूब, बहुत ही मजा आने वाला है. अभी बहुत ही मज़ा आना है वीडियो पे, तो आप वीडियो पर बने रहिए क्योंकि हम अभी अंदर आ चुके हैं उनाकुटी में. आपको पूरा व्यू दिखाएंगे और उनाकुटी में जो जो है, कहाँ कहाँ क्या क्या है, सब कुछ दिखाएंगे, डिटेल्स में दिखाने की कोशिश करेंगे. Didn't have a care or thought to worry about, apart from when this all will end. But I don't regret it, not a single thing. I hope that I will see you shining once again, and we can live another day. And then you looked at me when I fell down. You picked me up above the ground, and that moment then
I knew we'd have the summer of our lives together. Was first love, I was out of hell. Let me tell you, baby, this is not a game. Let me tell you, darling, you are not the same. Let me tell you. सो गाइस आप लोग अभी देख सकते हैं कि हम उनुकुटी पर है और ये जो मेरे पीछे आप लोगों को दिखाई दे रहा है पत्थरों पर कर्व करके भगवानों का मूर्ति बनाया गया है, बहुत ही सुंदर। ये देखने के लिए पूरे विश्वभर से लोग यहाँ पर आते हैं इस उनुकुटी में, तो आप लोग भी ज़रूर आइए। बहुत ही अच्छी जगह है, ये पूरी तरह से पहाड़ों से घेरा हुआ है पूरी तरफ। और नीचे वह मेरे पीछे आप देख सकते हैं, वह नीचे कुंड है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग उस सीढ़ी से जाएंगे, ठीक है। वो सीढ़ी आप लोगों को दिखाई दे रहा है कितना ऊँचा है, उस ऊंची जगह पर हम लोग अभी जाएंगे। वहाँ एक मंदिर है, ठीक है, उस मंदिर पे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे एक छोटा मोटा झरना है जिसके नीचे, यहाँ पे कुंड कहते हैं इसको, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। मेरे साथ मेरा भाई है और बहुत ही मज़ा हो रहा है। हम लोग दोनों आए हैं और दोनों भाई आए थे, वो लोग लौट गए हैं। तो हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इसका थोड़ा सिनेमैटिक शॉट दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। जो लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रूर आइए इस जगह पर, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ऊपर चढ़ाई करेंगे, ठीक है। वहाँ ऊपर सीढ़ियों से जाकर हम ऊपर चढ़ाई करेंगे। ऊपर तो जाएंगे गाइस, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में मैंने इस जगह को समझने की कोशिश किया। उनाकोटी, उनाकोटी मतलब 1 करोड़ से 1 कम। यहाँ पर उनाकोटी में आप लोग आएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत सारे भगवानों का मूर्ति कर्व्ड किया हुआ, बिखरा हुआ, टूटा हुआ, यहाँ पर बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। उनाकोटी के ऊपर 2-3-4 कहानियाँ हैं, उसमें से एक कहानी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो क्या हुआ, एक बार भगवान शिव जी बहुत सारे देवी देवताओं के साथ यहाँ से गुजर रहे थे, कहीं जा रहे थे, और रास्ते पर यहाँ पर रुके थे और सब लोगों को बोल दिया था कि यहाँ पर रेस्ट लेना है और सुबह सूरज उठने से पहले सब लोगों को उठ जाना। लेकिन सुबह में शिव जी के अलावा कोई नहीं उठा, इसलिए शिव जी ने गुस्से में होकर सब लोगों को श्राप दे दिया और तभी से यहाँ पर सब लोग मूर्ति बन गए। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये मेरा इस ब्लॉग का पार्ट 1 है। पार्ट 2 आने वाला है बहुत ही जल्द। तो पार्ट 2 में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, मैं आप लोगों को लाखों मूर्तियां तो नहीं दिखा सकता यहाँ का, लेकिन हाँ कुछ मूर्तियां तो शायद दिखा सकता हूँ। सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद आप लोगों को एक बाबा गोरिया का आश्रम दिखने को मिलेगा। उसके बाद एक रूम में बहुत सारे मूर्तियां भी देखने को मिलेगा और एक व्यू पॉइंट भी है ऊपर में। उसके बाद हम लोग फिर से नीचे आ जाएंगे, नीचे आकर राइट साइड में एक रास्ता है, उस रास्ते से होकर मैं आप लोगों को ले जाऊँगा गणेश जी का स्कल्पचर दिखाने के लिए। गणेश जी का स्कल्पचर, साथ ही एक झरना, बहुत ही शानदार झरना है। उनाकोटी लिटरली एक तीर्थ स्थान है। यहाँ पर हर साल मार्च या अप्रैल महीने में यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला होता है और लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर जमा होते हैं। तो पार्ट 2 जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही बढ़िया व्लॉग होने वाला है। तो गाइस, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। पार्ट 2 जरूर देखना, और हाँ, चैनल पर जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जाना, सब्सक्राइब। चलो इट्स ओके, बाय। Stable.